तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डोरेमोन तो हम सभी का फेवरेट कार्टून है, पर क्या आपको पता है कि जियान फुजिको फुजी के एक एनिमेटेड सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और जैसा कि नोबिता के बचपन का प्यार नॉनचेन थी, वैसे ही जियान के बचपन का प्यार जो भी है, आप उसे सुनकर आप सब लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि आज हम डोरेमोन के टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, आप लोग डोरेमोन की बहन डोरेमी को तो जानते ही होंगे, और आपने ये कभी ना कभी सोचा होगा कि क्या शिवासी जैसे डोरेमोन को पैसे देता है, वैसे क्या डोरेमी को भी पैसे देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डोरेमी एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, जहां पे वो रोबोट्स के फंक्शंस के बारे में काम करती है, और वो अपना मैक्सिमम टाइम उस यूनिवर्सिटी में काम करते हुए बिताती है। दोस्तों, यहां हमारा डोरेमोन एक एक डोरा केक के लिए तरसता है, और वहां पर डोरेमी प्रीमियम क्वालिटी के मेलन ब्रेड खाती है। ऑफ कोर्स दोस्तों, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, तो उसकी इनकम काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 2 की। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि नोबिता के बचपन का प्यार नॉनचेन है, वैसे ही जियान के बचपन का प्यार है। क्या आप लोग शॉक हो गए? हाँ दोस्तों, यही सच है, क्योंकि जियान ने ही ये बात सुनियो और नोबिता को बताई थी, जहाँ पे उन्होंने एक एल्बम शो कराया था, और उस एल्बम में हमें नोबिता का बचपन का रूप देखने को मिला था। यार, ये देखकर तो हमारा नोबिता शॉक हो गया, लेकिन जियान ने ये बात बोली थी कि इस लड़की को मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये लड़की कहाँ पर है। तो दोस्तों, जियान को नहीं पता था कि वो जो लड़की है वो नोबिता है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नोबिता कितना ज्यादा डर चुका है, और क्या होगा जब जियान को पता चलेगा कि उसके बचपन का प्यार नोबिता है। तो अब बारी है फैक्ट नंबर 3 की। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो सोचा होगा कि आखिर जब नोबिता की शादी जैको के साथ हुई थी, तो उसकी लाइफ कैसे कट रही थी। क्या जैको नोबिता पर बात बात पर गुस्सा करती थी? और दोस्तों, हमारे डोरेमोन ने तो नोबिता का फ्यूचर चेंज ही कर दिया है। तो दोस्तों, एपिसोड में तो कहीं ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन एक मांगा में दिखाया गया है कि नोबिता कैसे अपनी जैको वाली फैमिली के साथ उनसे बात कर रहा है। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे डोरेमोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था? हाँ दोस्तों, हमें एनिमेशन में ऐसा नहीं दिखाया गया है कि डोरेमोन इतना ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन मांगा सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि जब भी डोरेमोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो उसके सामने जियान या फिर नोबिता, वो किसी को भी नहीं देखता था, और उसको वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से मारता था। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक्स पर मामे में जो जियान है, वो उस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है जियान से, जो उसकी हेयर स्टाइल से लेकर पूरे शरीर के स्ट्रक्चर से, जो कि जियान जैसे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप भी डोरेमोन के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।